हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा भट्ट, योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ग्रेविटेशन, एंड इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट फ्री फॉल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी. तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो फ्री फॉल है. बट एक्चुअल में बच्चों, फ्री फॉल क्या है वो हम अब देखेंगे. ओके, फ्री फॉल इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट. समझो बच्चों, फ्री फॉल क्या है? ऐसा मोशन जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे ओनली एंड ओनली ग्रेविटी वर्क कर रही है. ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अदर कोई भी फोर्स नहीं है, दैट इज फ्री फॉल. अब इसे समझिए, अदर फोर्स कहाँ से आया? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, सपोज अ बॉल, ठीक है, उसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारे सराउंडिंग में क्या है बच्चों? एयर है. यस, ठीक है, एयर भी प्रेशर लगाती है, फोर्स सप्लाई करती है. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एयर जो फोर्स लगा रही है वो कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में. कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यह एयर के कारण है, इसे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, यह एयर रेजिस्टेंस भी वर्क करता है. ओके, लेकिन फ्री फॉल में क्या करेंगे हम? फ्री फॉल में हमने बात की कि सिर्फ कौन सा फोर्स होगा? ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया बच्चों? ज़ीरो. ओके, इस इट मींस ये क्या हो गया? ज़ीरो. ठीक है, तो फ्री फॉल में ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है. ठीक है, नॉर्मली भी बच्चों जो ये एयर रेजिस्टेंस है इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, अभी आप आगे और समझेंगे. अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल, इफ़ वी ड्रॉप अ मेटल कॉइन एंड फैदर फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से हमने मेटल का कॉइन और एक फैदर को ड्रॉप किया, क्या होगा बच्चों? यस, यू नो दैट जो मेटल कॉइन है वो पहले नीचे पहुंच जाएगा और जो फैदर है वो लो स्पीड से आ रहा है. ओके, अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाई, तो आप बताओगे. सिंपल है मैम, कॉइन का वेट ज़्यादा है, फैदर का वेट कम है. चलो अभी के लिए मैं ये मान लेती हूँ. ठीक है, बट एक और फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है बच्चों. कौन सा? एयर रेजिस्टेंस. ठीक है ना, यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है कि ये फ्री फॉल है. ठीक है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है. ओके, तो जो फैदर का एरिया है वो क्या है बच्चों? ज़्यादा है. ठीक है, मास उसका बहुत कम है, तो उस पर लगने वाला जो ये एयर रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? वो इनक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, तो फैदर के लो स्पीड का एक रीज़न क्या है बच्चों? एयर रेजिस्टेंस. लो स्पीड ऑफ फैदर इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि एक हमारे साइंटिस्ट हुए सर गैलीलियो. ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने एक बॉल ली एंड बंच ऑफ फैदर लिया. ठीक है, और उसे भी इसी तरीके से ड्रॉप किया, तो सेम रिजल्ट, जो बॉल थी वो पहले पहुँच गई सरफेस पे. ओके, अब उन्होंने क्या किया बच्चों? अब उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया. ठीक है, वैक्यूम क्यों होता है? क्या होता है बच्चों वैक्यूम? यू नो दैट जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है, नथिंग, वो स्पेस क्या कहलाता है? वैक्यूम. ठीक है, अब वैक्यूम में उन्होंने दोबारा इस एक्टिविटी को किया, बॉल को और फैदर्स को उन्होंने ड्रॉप किया. ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा? शॉकिंग रिजल्ट कि जो बॉल है और जो फैदर्स का जो बंच है वो बिल्कुल सेम रेट से नीचे आ रहा है और बिल्कुल सेम टाइम पे उन्होंने सरफेस को टच किया. ओके, अब यहाँ पे यानी कि इस वैक्यूम में कौन सा फोर्स काम कर रहा था? ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एयर तो है ही नहीं, एयर का रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. ठीक है, इन अ वैक्यूम बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सर्फेस एट सेम टाइम. ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? वैक्यूम की. अब इसे और क्लियर समझने से पहले हमें एक टॉपिक देखना होगा, क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? ग्रेविटी की. ठीक है, अब भाई ग्रेविटी है, अब ये पिक्चर देखिए, और मैं आपसे पूछती हूँ, ये एक पर्सन है, इनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉल है. ठीक है, इन्होंने इस बॉल को यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये हमारी ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ, नीचे तक आते आते
क्या इसकी स्पीड सेम रहेगी, बताओ। आपको पता है, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है। आप कहोगे नो मैम, स्पीड तो बढ़ जाएगी नीचे तक आते आते। अब भाई क्यों बढ़ जाएगी, तो याद करो क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। तो उसमें क्या था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो डिस्टेंस इतनी है, इस पॉइंट पे हम आए तो डिस्टेंस बच्चों कम हो गई, थर्ड पॉइंट पे डिस्टेंस और भी कम हो गई। अब डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब फोर्स इंक्रीज हो गया तो स्पीड इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से आया हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके ठीक है, दिख रहा है हमको चेंज हो रहा है। अब याद करो हमारे प्रीवियस चैप्टर को, मोशन जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या आता है बच्चों, एक्सेलरेशन। पढ़ चुके हैं आप, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में अगर कोई भी चेंज है इट मीन्स एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में है ना। और एक छोटा सा एग्जांपल, डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, आप सब व्हीकल ड्राइव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो क्या पूरे रास्ते उसकी स्पीड सेम होती है, नो। क्या वेलोसिटी सेम होती है, नो। कभी आप बढ़ा देते हैं वेलोसिटी को, कभी आप कम कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं उसको है ना, एक्सेलरेटर का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेट कर दिया उसको। ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब भाई ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इसका कॉज है, तो इसे हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। सिंपल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसे डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। यूनिट ऑफ जी बिल्कुल सेम, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वही हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप कर चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। और ये हमारा जी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब बच्चों फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैंने आपको कहा था मोशन वाला चैप्टर आएगा, फोर्स वाला चैप्टर आएगा। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब इस ए की जगह हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो हमने क्या पुट कर दिया, जी। तो ये बन गया एफ इज इक्वल्स टू एम जी। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों, ये कहता है एफ इज इक्वल्स टू जी एम इन टू एम अपॉन डी स्क्वायर, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो भाई ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो देखिए एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, दोनों ही क्या है, फोर्स हैं। अब भाई हम कर क्यों रहे, अरे भाई अभी देखिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एम से ये एम कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है, तो इसे तो हमें छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे जी क्या है, वी नो दैट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम क्या है बच्चों, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ओके ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद ही रखना है। अब देखिए फॉर ऑब्जेक्ट नियर द सर्फेस और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला निकाला, ये निकाला। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के बहुत ही पास में रखा हुआ है या अर्थ की सरफेस पे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लुक एट द पिक्चर, ये हमारी अर्थ और ये क्या है, रेडियस। ठीक है, अर्थ कितनी बड़ी है बच्चों, बहुत बड़ी है, उसका रेडियस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा है। ओके,
अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कितनी डिस्टेंस है, डी, ठीक है। तो बच्चों इस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में क्या ये डी कोई वैल्यू रखता है? नो, कितनी भी बड़ी हो बिल्डिंग, 50 मीटर, 100 मीटर, डी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के पास में है या अर्थ की सरफेस पे है, तो हम डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, अर्थ की रेडियस के इक्वल ही मान लेते हैं। देखिए, द डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बच्चों बस फॉर्मूला में इस डी की जगह क्या पुट कर दिया हमने, कैपिटल आर। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किसके लिए, फॉर द ऑब्जेक्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, नो प्रॉब्लम। आप देखिए बच्चों, जी डिपेंड्स ऑन, जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। जी ये तो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होने वाला। एम मास ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या बच्चों रेडियस जो है अर्थ की कांस्टेंट है? आप कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम कांस्टेंट है, कुछ बच्चे बोलेंगे नो मैम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है उन्हें, कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है बच्चों, एलिप्स है ना, पूरी सर्कल नहीं है, ठीक है। ग्लोब देखना, अब जो मिड में लाइन होती है ग्लोब देखना, कभी उसमें क्या लिखा होता है, इक्वेटर, ठीक है। तो जो इक्वेटर पे सेंटर से यहाँ ये जो रेडियस है बच्चों, ये इस रेडियस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, आर रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पोल्स, इक्वेटर पे जो रेडियस है वो पोल्स के रेडियस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ज़्यादा होती है तो क्या हो गया, देखो भाई बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, है ना, देखो रिलेशन, अगर आर इंक्रीज हो गई तो जी डिक्रीज हो गया, हो गया ना बच्चों, इनवर्स रिलेशन है, अगर आर डिक्रीज हो गई तो जी जो है वो इंक्रीज हो गया, यही हो रहा है। देखिए जी पोल्स इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, इट मींस पोल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। ओके, द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब अर्थ की सर्फेस पे है तो ये रेडियस आ गई, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा जी का वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी फॉल्स बोथ विद इंक्रीजिंग हाइट एंड विद इंक्रीजिंग डेप्थ, इस पॉइंट को समझिए बच्चों, कि जो जी का वैल्यू है वो हाइट इंक्रीज होने पे एंड डेप्थ इंक्रीज होने पर कम हो जाता है, ठीक है, फॉल्स हो जाता है। अब समझिए बच्चों कैसे, यही हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों अर्थ की रेडियस, अब मैं इक्वेटर और पोल की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे बात करूँ तो कांस्टेंट रहेगी ना, वो थोड़ी ना चेंज हो रही है, लेकिन अब अगर मैं हाइट पे जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं सेंटर से दूर जा रही हूँ, तो क्या हुआ बच्चों, डिस्टेंस बढ़ गई, है ना। अब अगर मैं डेप्थ में जा रही हूँ तो भी क्या हुआ, तो भी मैं सेंटर से दूर जा रही हूँ, तो भी मेरी डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई इट मींस जी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, हाइट अगर इंक्रीज हो रही है या डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ रहा है ना, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो जी की वैल्यू है वो कम हो रही है। ओके, तो ये आपके हो गए रेडियस पे किस किस तरीके से डिपेंड करता है ये, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला जो हमें याद ही रखना है, जी की वैल्यू वी नो दैट 6.67 × 10⁻¹¹, मास ऑफ द अर्थ तो भाई गिवन है, कॉन्स्टेंट होता है, और आर भी हमको ये गिवन है। देखो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फिर क्या करना है, सिंपल
वैल्यूज़ पुट कीजिए फॉर्मूला में, ये हो गई, एंड वी गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद भी रखनी है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें काम आती है, और वैसे ये गिवन भी होती है, पर ईजी से हम याद रख सकते हैं ईजीली। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल याद करो, अब और अच्छे से समझेंगे। फ्री फॉल में क्या होता है, ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। हमने पढ़ा कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वर्क कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो फ्री फॉल के टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, ठीक है, क्या फील करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मास। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। देखिए फॉर्मूला, बताइए क्या कहीं स्मॉल m आ रहा है क्या बच्चों? नो, नहीं आ रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल r मैंने लिखा है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस को हम d से भी ले सकते हैं, r से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेम ही है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेन बात ये है कि स्मॉल m यहाँ नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मास से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ में आई बात कि वैक्यूम में क्या हो रहा था, समझो वैक्यूम में क्या काम कर रहा था बच्चों, ये हमारा जी है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। दैट्स व्हाई वैक्यूम में जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट थे वो साथ साथ नीचे आए थे, है ना। इट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट। क्लियर हो गया पॉइंट, कि वैक्यूम में कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, होलो हो, सॉलिड हो, लाइट हो, हैवी हो, बिग हो, स्मॉल हो, सेम रेट से नीचे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्री फॉल आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, हमको देखनी है क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। कहोगे मैम ये तो हमने पढ़ ली मोशन वाले चैप्टर में, हाँ पढ़ ली, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज, है ना, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले प्रीवियस इक्वेशन को रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हम पढ़ चुके हैं। आइए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह क्या आ गया g, क्योंकि कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भाई ये s क्या है हमारा, डिस्टेंस है ना। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, तो हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कह लो या इसको हाइट कह लो। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, h, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल से चेंज है, a की जगह g आ गया और s की जगह h आ गया। अब नोट एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या, g इज टेकन पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसे समझो कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इट मींस वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो हमारा g पॉजिटिव है, बिल्कुल है। g इज टेकन नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, फोर्स लगा है, कोई वेलोसिटी दी है, ठीक है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए इस केस में हम जी की वैल्यू कैसे लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। ओके, और एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की, बहुत सिंपल सी क्या है बच्चों, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान रखना फ्री फॉल, तो उसको हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो हमारा यू हो जाता है ज़ीरो। और एक चीज़ देखो, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो थ्रो किया इट मीन्स हमने क्या लगाया,
फोर्स लगाया, ठीक है, तो भाई जब तक फोर्स है तभी तक तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा ना ऊपर। फोर्स ख़त्म हो गया तो क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने ये थ्रो किया, यहाँ पे आके मेरा फोर्स ख़त्म हो गया तो ऑब्जेक्ट रुक गया, तो क्या रुक गया तो हवा में ही थोड़ी ना लटका रहेगा, क्या होगा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जब ये रुक गया तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, ज़ीरो। तो ये भी हमें याद रखनी है। अब इन इक्वेशंस पे बेस्ड क्या आते हैं बच्चों, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 meters, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। तो बच्चों इसकी लैंग्वेज को पहले समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ओके, तो डायरेक्शन कौन सी है वर्टिकली अपवर्ड, इट मींस हमारा जी कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, इट मींस हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, जिस वेलोसिटी से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। और ये 10 meters की हमको क्या है गिवन हाइट, वो कहाँ तक पहुँच गया है 10 meters की हाइट, ठीक है 10 meters, ओके। अब बच्चों वही एक बात, जब यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, फोर्स ख़त्म, ऑब्जेक्ट रुक गया, और रुक के क्या हुआ हवा में थोड़ी लटका रहेगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो अलग बात, मेन बात क्या, रुकते ही हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, ज़ीरो, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड इस हाइट तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है 10 meters, जो हमारी हाइट है वही डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, अभी हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, अपवर्ड मोशन ध्यान रखना इट मींस जी कैसा है नेगेटिव। तो ये लगाते हैं हमारी इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, वी हमारा क्या है बच्चों ज़ीरो, यू हमें फाइंड आउट करना है, 2g की वैल्यू देखो -9.8, और ये हमारी हाइट, सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, यू को उठा के हम इधर ले गए तो क्या हो गया -u², और ये माइनस भी आ गया इधर -2 × 9.8 × 10, ठीक है, तो वी गेट u² = 196, तो u कितना होगा बच्चों इसका अंडर रूट कर दो, एंड वी गेट 14 meters per second, इट मीन्स हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों 14 meters per second। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम h हाइट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, v = u + gt, ये हमने लगा दी हमारी इक्वेशन, v ज़ीरो, u अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, जी माइनस में ही है, और यहाँ से हमारा टी, ये भी सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे 1.43 seconds, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u = 14 meters per second एंड टाइम टेकन t = 1.43 seconds, ओके, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर द रिवर अ स्टोन इज फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज इन टू द रिवर, स्टोन रीच एट द सर्फेस ऑफ वाटर इन 2 seconds, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, जी हमको गिविन है। अब क्वेश्चन को समझो बच्चों, एक रिवर है और यही उसका क्या है वाटर लेवल है, ठीक है, सरफेस का जो वाटर लेवल है, इसके ऊपर हमने क्या बना दिया एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, यहाँ से हमने एक स्टोन ड्रॉप किया है ना, फ्रीली ड्रॉप किया है, फ्रीली ड्रॉप किया इट मींस हमारा यू क्या हो गया बच्चों ज़ीरो, है ना, कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने उसको, डायरेक्शन देखो कौन सी है वर्टिकली डाउनवर्ड, इट मींस जी भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव। ये दो बातें क्वेश्चन से ही हमको समझ में आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड आउट करना है हाइट, एक चीज़ और हमको गिवन है कि इस लेवल तक आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों
2 सेकेंड. वो स्टोन कितना टाइम ले रहा है बच्चों? 2 सेकेंड. तो आइए देखते हैं. U इज इक्वल्स टू 0, अभी मैंने आपको बताया. टाइम 2 सेकेंड गिवन है. G वी नो दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बस ये लीजिए, लगा दीजिए इक्वेशन. अब बच्चों आप कहोगे ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं ली? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH. भाई H तो इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. भाई U तो 0 है, हमें पता है, ड्रॉप किया है हमने. बट ये V गिवन है क्या बच्चों? लास्ट वेलोसिटी गिवन है क्या? नहीं गिवन है. तो ये वाली इक्वेशन नहीं ले सकते, दैट्स व्हाई हमने ये इक्वेशन ली. अब वैल्यू पुट कीजिए. U क्या है हमारा? 0. T हमको गिवन है टाइम, हाफ जी टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर. ये पूरी वैल्यू तो हो गई 0. और यहाँ से हमें क्या मिला? 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर हो गया. एंड ये है 9.8 अपॉन 2. बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 19.6 मीटर. ओके, तो हाइट क्या आ गई बच्चों ब्रिज की? 19.6 मीटर आ गई. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल. अब बच्चों जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या क्या समझा. तो पहले हमने समझा फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज डिफाइंड एज अ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर ओनली एंड ओनली ग्रेविटी एक्ट अपॉन इट. ठीक है, यही समझा था हमने, ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन है. ग्रेविटी के हम बात करें केस में तो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. उसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. उसका वैल्यू हमने निकाल लिया 9.8. उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना ये. और अगर अर्थ की सरफेस के पास में है तो क्या लेंगे हम? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अर्थ की रेडियस ले लेंगे. ठीक है, फिर हमने देखा ये जी किस किस पे डिपेंड करता है. भाई ये डिपेंड कर रहा है इस रेडियस पे. ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि आर इक्वेटर, इक्वेटर पे जो रेडियस है इज ग्रेटर देन एट पोल्स. ठीक है, फिर हमने क्या देखा? जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर. बिल्कुल, ये भी एक याद रखने की बात हो गई. ओके, उसके बाद बच्चों हमने देखी इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और उस पे बेस्ड हमने एग्जांपल्स कर लिए. तो आई होप बच्चों कि ये फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.